भारत के अग्रणी टू व्हीलर ब्रांड हीरो इलेक्ट्रॉनिक ने चंडीगढ़ में सुपर सिक्स के पहले संस्करण की घोषणा की। यह रन सेवा से प्रेरित है और सुपर सिक्स फाउंडेशन के साथ गठबंधन में आयोजित किया गया है। इसके अलावा यह रन ट्रांजिशन एवं ग्रीन मोबिलिटी अपनाने का प्रोत्साहन देता है तथा नो एमिशन के अपने मिशन का समर्थन करता है। रन का चंडीगढ़ चैप्टर प्रतिभागियों के बीच मैराथन दौड़ने की भावना को प्रेरित करने तथा भारत के सबसे तेज धावक मिल्खा सिंह और शतायु धावन मनकौर को श्रद्धांजलि देने के लिए डिजाइन किया गया है। चंडीगढ़ रन की शुरुआत 21 नवंबर 2021 को चंडीगढ़ क्लब से होगी। सारे पंजाब ये मैराथन कोई जानदा नहीं सी। ये 21 तरीक नहीं होनी, ये खरे किन्ने दिन हो किन्ने जना दी अपनी शरीर दी पैर भी कर दी। ये कोई एक मैराथन दा जा दौड़ दा नहीं, होर भी जिहड़ा प्लेयर पुणा करना है ना गतका वगैरह होर ये बड़ा एक जत्था का इस शरीर की सेवा करनी, एक महाराज की भी सेवा करनी। फिर बंदा कुदरत माड़िया अपने एटोमैटिकली बच सकता जिले ये सेवा करनी किसी चीज की है ना, कोई करना काम गटका खेलना कोई होटना खेलना एक दौड़ना नहीं दौड़ना वो आदमी हो ना माड़िया कमा तो बच जाता वो शरीर की सेवा करता। मैं एक महाराजा मैं तो ये उत्ते ही आ कोई माड़िया कमा च लाता वो चंगा कमा च लाता मैं तो 25 साल खर्चा यार क्या खर्चा यार मैं क्या होगा तेनू क्या तेनू ना लड़कियां लड़के मेरे बहुत टब्बर उधर इधर देखा ना मेनू क्या ही आ कुदरती मैं अपनी बड़ियाई नहीं करती। फिर मैंने पैसा तगड़ा मिलता रहा मैं चैरिटी वास्ते जिन्ना मैं बंबियों पैसा मिला वो पंजाब की चैरिटी वास्ते 25 लाख रुपया पिंगलवाड़े एक मैं पंजाब दियाँ चैरिटियाँ पा सारिया आपों में चल गई दो मैं पसंद कितिया एक पिंगलवाड़े की एक अन्या की संस्था इतने दिता मैं नहीं दिता वो गुरु मेरे तो सेवा कराई मैं गई जमा 21 नवंबर को मिल्खा जी का 92nd बर्थ एनिवर्सरी है और ये जो रन हम इनॉग्रल रन सुपर सिक्स की चंडीगढ़ में होने जा रही है ये उनको डेडिकेट है। उनके जो बताए हुए रास्ते पे चलने का जो तरीका है सेहत को और देश को अच्छा और मजबूत बना के रखना, वो एक फौजी थे, फौज में पहले उन्होंने सेवा करी उसके बाद देश की सेवा उन्होंने एथलेटिक्स में आके करी और पूरी ज़िंदगी उन्होंने हेल्थ को बहुत इम्पोर्टेंस दिया और हेल्थ की इम्पोर्टेंस को अगर हम समझते हैं तो भागना एक सबसे आसान और नेचुरल वे है फिट रहने का। जब मेरे जैसा 100% डिसेबल बंदा दौड़ के अपने आप को फिट रख सकता है, मेरे साथ हमारे आदरणीय सरदार अमर सिंह चौहान जो 79 ईयर ओल्ड है वो खड़े हैं, वो इस उम्र में 42-42, 50-50 किलोमीटर भाग के अपने आप को फिट रख सकते हैं। तो इसका मतलब ये तरीका भगवान का दिया हुआ कुदरती तरीका है ना नेचुरली कि आप दौड़ो और फिट रहो, तो ये तो अपना ख्याल रखना है और देश का ख्याल कैसे रखना है अपने एनवायरमेंट को क्लीन करके। तो हमारे जो स्पॉन्सर हैं हीरो इलेक्ट्रिक वो ये मैसेज साथ में लेके चल रहे हैं कि इलेक्ट्रिफाइड होना ज़रूरी है आने वाले टाइम में, जो पोल्यूशन व्हीकुलर पोल्यूशन है और गाड़ियों के चलने के कारण जो हमारे जीने की ज़िंदगी की क्वालिटी को ख़राब कर रहा है
उसको क्लीन करने का तरीका है, आप अपने आप को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ मोटिवेट कीजिए। अच्छा, मैसेज क्या दे रहे हैं सर? तो मेरा मैसेज यही है कि आप अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो अपने आप को फिट रखेंगे, और अगर गाड़ियों को इलेक्ट्रीफाइड यूज करना शुरू कर देंगे तो देश को फिट रखेंगे। सर, ये सुपर सिक्स मैराथन की जो बात आपने कही कि इसमें जिस तरह से जो डिसेबल हैं वो, जैसे आपने कहा कि क्या आप लोग 5 किलोमीटर भाग सकते हैं, अगले जो हैं वो 41 किलोमीटर जो मैराथन वो भागे हैं, तो ये जो डिसेबिलिटी है इसको लेके जो देश में सोच है लोगों की कि कोई अपंग हो गया तो कर नहीं सकता, हालांकि आप एक उसकी मिसाल है कि आपने जिस तरह के काम किए हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को इस मैराथन के माध्यम से? देखिए, एबिलिटी और डिसेबिलिटी ये आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने सवाल पूछा कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो बहुत सारे काम करना नहीं जानते, तो इसका मतलब आप उसमें एबल नहीं हो। कई लोग गाड़ी चलाना नहीं जानते, कई लोग दौड़ने के बारे में जानते हुए भी आज की डेट में 5-10 किलोमीटर तक नहीं दौड़ पाते, कई लोग ड्राइंग। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।